अस्सलाम वालेकुम माउंट थ्री स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके स्टूडेंट्स, टुडे इन साइंस वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू यूनिट, यूनिट नंबर 4, एंड द टॉपिक इज लाइफ साइकिल. यू हैव टू डू रीडिंग फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 16. ओके, लेट्स सी द बुक पेज नंबर 16. यस, दिस वन इज योर बुक पेज नंबर 16, यूनिट नंबर 4, लाइफ साइकिल. व्हाट इज लाइफ साइकिल? लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट. लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है, यानी कि आपकी जिंदगी का एक साइकिल, जहां से आपकी जिंदगी स्टार्ट होती है या किस पॉइंट से आपकी जिंदगी इनिशियली स्टार्ट होती है. ठीक है, हमारे सारे लिविंग थिंग्स की जो है वो एक लाइफ, जो एज अ बेबी जो है, सबसे पहले आप पता है आपको कि हम सब छोटे बच्चे थे, उसके बाद जो है हम ग्रोन अप होके, यानी कि बड़े होके, पहले आप यंग होते हैं, फिर आप ओल्डर होके, और फिर आप एंड में जो है वो एडल्ट ओल्डर, और फिर आपके जो दादा नाना हैं वो भी पहले छोटे बच्चे थे, फिर बड़े हुए, जवान हुए, उसके बाद जो है वो इस बुढ़ापे में, यानी कि वो बूढ़े हो गए. तो जिंदगी का जो एक लाइफ होती है, यानी कि सॉरी लाइफ जो है वो एक साइकिल की तरह जो है वो स्टार्ट होती है. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. A double L all, L I V I N G living, T H I N G S things, all living things, S T A R T start, T H E I R there, L I F E life, A S S B A B I E S babies. दोबारा से, all living thing start their life as babies. दोबारा से, all living things start their life as babies. कि जितनी भी living things हैं, यानी कि जो भी जानदार चीजें हैं, वो अपनी जिंदगी, यानी कि their life जो start करती हैं, सबसे पहले वो as babies, यानी कि वो सबसे पहले babies होते हैं, और उसके बाद जो है वो अपने different stages में अपने life के आते हैं. ठीक है, next one, Y O U N G young, P L A N T plant, a young plant, G R O W S grows, I N N T O 2 into a tree, T R E E tree. Again, a young plant grows into a tree. Once again, a young plant grows into a tree. कहते हैं कि देखें, a young plant, आपको जो इतने बड़े बड़े दरख्त नजर आते हैं इर्द गिर्द, ये शुरू से इतने बड़े नहीं होते हैं. हम सबसे पहले इनके लिए छोटा सा एक सीड लगाते हैं, सीड के बाद जो है वो थोड़ा सा पौधा बड़ा होता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते जो है वो एक ट्री बन जाता है. कि एक छोटा सा प्लांट जो है वो ग्रो करके जो है वो ट्री बनता है. ठीक है, नेक्स्ट वन, A B A B Y baby, G R O W S grows, I N N T O 2 into A N N A D U L T adult. A baby grows into an adult. दोबारा से, A baby grows into an adult. अब वो बता रहे हैं, आप इस पिक्चर में देख भी रहे होंगे कि एक बेबी है और एक यंग बॉय की पिक्चर है. अब वो बता रहे हैं कि एक छोटा सा बेबी जो है वो ग्रो करके, यानी कि बड़ा होके जो एक एडल्ट बन जाता है, वो एक बड़े हो जाते हैं, यानी कि जवान हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं. तो इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी लाइफ एज अ बेबी स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो पहले छोटे होते हैं, फिर ग्रो करते करते जो है वो बड़े होते जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन है, आ के आई डबल टी ई एन किटन, जी आर ओ डब्ल्यू एस ग्रोज, अ किटन ग्रोज, आई एन एन टी ओ टू इन टू आ सी ए टी कैट, अ किटन ग्रोज इन टू आ कैट. अगेन, अ किटन ग्रोज इन टू आ कैट. अब देखें यहाँ पे किटन जो है वो बिल्ली का बच्चा होता है. वो कह रहे हैं कि छोटा सा किटन, यानी कि छोटा सा बिल्ली का जो बच्चा है, वो भी ग्रो करके वो जब बड़ा होता है तो वो एक पूरे कैट बन जाती है. ठीक है,
कि अब किटन ग्रोज, जो एक बिल्ली का बच्चा है वो जब ग्रो करेगा तो वो कैट बन जाएगा। इनकी बिल्ली के बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, खाएगा पिएगा, कुछ उसके जो टाइम के साथ, जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो है वो ग्रो करते करते वो पूरी कैट बन जाती है। नेक्स्ट वन आर सी एच आई सी के चिक, अ चिक, जी आर ओ डब्ल्यू एस ग्रोज, अ चिक ग्रोज, आई एन इन टी ओ टू इन टू आ एच ई एन हेन, अ चिक ग्रोज इन टू आ हेन। वंस अगेन, अ चिक ग्रोज इन टू आ हेन। अब इसी तरह चिक यानी के मुर्गी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चूजे जो होते हैं, वो भी ग्रो करके जो है वो हेन बन जाते हैं। ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि चिक भी जब ग्रो करता है तो वो हेन बन जाता है। अब लाइफ साइकिल देखें, अब आपको समझ आ गया होगा कि लाइफ साइकिल का मतलब है कि जब हम छोटे होते हैं और उसके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं और फिर हम अपनी एक्चुअल लाइफ में यानी कि एडल्ट्स हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं और फिर उसके बाद ओल्ड एज में आ जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स स्टार्ट देयर लाइफ एज बेबीज, के सारी लिविंग थिंग जो है अपनी जिंदगी एज बेबीज स्टार्ट करते हैं। इसी तरह सबसे पहले ओके लाइक दिस यू हैव टू डू रीडिंग फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 16। लेट मी रिवाइज वंस अगेन कि ऑल लिविंग थिंग्स स्टार्ट देयर लाइफ एज बेबीज। ठीक है, कि सब लिविंग थिंग जो है अपनी जिंदगी एज बेबीज यानी कि अपनी जब उनकी जिंदगी स्टार्ट होती है तो वो पहले बेबीज होते हैं। इसी तरह अ यंग प्लांट ग्रो इन टू अ ट्री, कि एक छोटा सा पौधा जो है वो ग्रो करके ट्री बन जाता है। अ बेबी ग्रो इन टू एन एडल्ट, कि इसी तरह छोटा सा एक बेबी ग्रो करके एडल्ट बनता है। अ किटन ग्रोज इन टू अ कैट, एक छोटी सी किटन जो है वो ग्रो करके कैट बन जाती है। अ चिक ग्रो इन टू अ हेन, और एक छोटा सा चिक यानी कि चूजा ग्रो करके हेन बन जाती है। ठीक है, इस तरह जो है आपने इस पेज की रीडिंग करनी है और इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इसका टॉपिक अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।